वेलकम बैक, माय नेम इज़ मुकेश। हम बात कर रहे हैं द वेस्टलैंड के सेकंड चैप्टर की, इसका नाम है अ गेम ऑफ चेस। हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं व्हेन लिल्स हस्बैंड गॉट डिमॉब्ड। ये फिर से बिल्कुल नया सीन शुरू हो गया है। नाउ देयर आर टू लेडीज़ एज वी कैन गेस। तो जब लिल जो है उसका हस्बैंड जो है वो आर्मी से वापस घर आया अपने, आई सेड, मैंने कहा उसको, आई डिडंट मींस माई वर्ड, मैंने कुछ भी जो है अनक्लियरली नहीं बोला। मीन्स वर्ड मतलब अनक्लियर बोलना, मैंने अपने वर्ड्स को अनक्लियरली नहीं बोला, मतलब मैंने साफ साफ बोला बिल्कुल। आई सेड टू हर माई सेल्फ, मैंने खुद उसे कहा, क्या कहा, हरी अप प्लीज इट्स टाइम। ये वो नहीं बोल रही है, ये जो बार में बैठे हैं उस बार का जो वेटर है वो बोल रहा है बार बार कि भाई टाइम हो गया है जाने का, खड़े हो जाओ सब लोग। नाउ अल्बर्ट इज़ कमिंग बैक। तो हमें पता लगता है कि लिल का हस्बैंड जिसका नाम क्या है, अल्बर्ट है। अब अल्बर्ट वापस आ रहा है, मेक योर सेल्फ बिट स्मार्ट, अपने आप को थोड़ा अच्छा बनाओ, सुंदर बनाओ। इल वॉन्ट टू नो वॉट यू डन विद दैट मनी ही गेव यू, वो जानना चाहेगा कि उसने तुम्हें जो पैसे दिए थे ना, तुमने क्या किया उसके साथ। और पैसे क्यों दिए थे, टू गेट योर सेल्फ सम टीथ, कि दांत लगवा लो अपने। ही डिड, उसने दिए थे, आई वॉज देयर, मैं खुद वहाँ थी। यू हैव देम ऑल आउट, तुमने सब बाहर निकलवा लिए लिल, एंड गेट अ नाइस सेट, और अच्छा सेट सा सेट बनवाओ अपने लिए, मतलब यू हैव देम ऑल आउट बने बाहर निकलवाओ सॉरी, और अपने लिए अच्छा सा दांतों का एक सेट बनाओ, ठीक है। ही सेड आई स्वेयर आई कांट बियर टू लुक एट यू, उसने कहा था आई स्वेयर आई कांट बियर टू लुक एट यू, कि मैं तुम्हारी तरफ देख तक नहीं सकता हूँ, तुम इतनी बदसूरत लगती हो। एंड नो मोर कांट आई, आई सेड, और मैं भी नहीं, मैंने उसको बोल दिया मैं भी तुम्हारी तरफ देख नहीं सकती। एंड थिंक ऑफ पुअर अल्बर्ट, और बेचारे अल्बर्ट के बारे में सोचो। ही इज़ बीन इन द आर्मी फोर ईयर्स, चार साल से वो आर्मी में है। ही वॉन्ट्स अ गुड टाइम, वो तुम्हारे साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहता है। एंड इफ़ यू डोंट गिव इट हिम, और अगर तुम उसे नहीं दोगी वो टाइम, देर इज़ अदर्स विल, दूसरे हैं जो दे देंगे, मतलब दूसरी लड़कियाँ दूसरी औरतें हैं जो दे देंगी। आई सेड, मैंने कहा, मीन्स इफ़ यू आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई योर हस्बैंड फिजिकली, देर विल बी अदर वीमेन हु वुड बी हैप्पी टू डू दैट, बिकॉज अल्बर्ट इज़ वर्किंग इन आर्मी एंड वी कैन गेस दैट ही वुड बी अ स्मार्ट एंड हैंडसम गाय। इज देयर शी सेड, इसने कहा अच्छा ऐसा है क्या, समथिंग ऑफ दैट आई सेड, हाँ ऐसा ही कुछ मान लो, मतलब ऐसा होगा अगर तुम उसे संतुष्ट नहीं कर पाओगी तो दूसरी औरतें हैं फिर। देन आई नो हु टू थैंक, तो मुझे कम से कम पता होगा ना कि मुझे थैंक यू किसको बोलना है, मतलब तुमने मुझे बता दिया है कि ऐसा हो सकता है, तो डोंट वरी, अगर ऐसा होता है तो मतलब मैं तुम्हें थैंकफुल, मैं तुम्हारे लिए प्रति थैंकफुल रहूँगी बिकॉज तुमने मुझे पहले बता दिया है। कि शायद उसने कहा एंड गिव मी अ स्ट्रेट लुक, और मेरी तरफ उसने बिल्कुल घूर कर देखा। नाउ हरी अप प्लीज इट्स टाइम, और फिर से वो बार टेंडर की आवाज़ आती है कि भैया पब बंद होने का, बार बंद होने का टाइम हो गया है, ठीक है ना। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू कैन गेट ऑन विद इट, आई सेड, तो मैंने उसे कहा कि अगर तुम्हें चीज़ें पसंद नहीं हैं जो इस तरह चल रही हैं, देन मूव ऑन, बढ़ जाओ आगे, आई सेड, मैंने कहा उसको। अदर्स कैन पिक एंड चूज इफ़ यू कांट, तुम अगर चूज़ नहीं कर सकती तो दूसरे लोग चूज़ कर लेंगे, मतलब कोई और औरत आएगी और वो चूज़ कर लेगी, है ना। बट इफ़ अल्बर्ट मेक्स ऑफ, परंतु अगर अल्बर्ट तुमसे दूर जाता है, ध्यान रखना, इट वॉन्ट बी फॉर लैक ऑफ टेलिंग, तो तुम ये नहीं कह सकती कि तुमने, तुम्हें किसी ने बताया नहीं था, है ना, मतलब मैंने तुम्हें पहले ही वार्न कर दिया था। यू ऑट टू बी अशेम्ड, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, आई सेड, मैंने कहा, टू लुक सो एंटीक, कि तुम इतनी बूढ़ी लगती हो। एंड हर ओनली 31, और वो सिर्फ 31 साल की है, और देखिए यहाँ पे शी के स्थान पे हर यूज़ कर रहा है, वो उस समय की लोकल लैंग्वेज यूज़ कर रहा है ना, तो मतलब करप्शन जो है वो धर्म के क्षेत्र में नहीं लैंग्वेज के क्षेत्र में भी हो चुका है। आई कांट हेल्प इट, मैं कुछ नहीं कर सकती, शी सेड, उसने कहा, पुलिंग अ लॉन्ग फेस। लॉन्ग फेस एडियम है ये, इसका मतलब होता है सैड, तो सैड होते हुए, इट्स देम पिल्स आई टुक, ये वो गोलियां हैं जो मैंने खाई हैं टू ब्रिंग इट ऑफ अबॉर्शन के लिए, ब्रिंग इट ऑफ अबॉर्शन के लिए, सीड, उसने कहा कि वो ये वो गोलियों की वजह से ऐसा हुआ है मेरे साथ जो मैंने अबॉर्शन के लिए खाई हैं। शी हैज़ हैड फाइव ऑलरेडी, उसके पहले से 5 चिल्ड्रन हैं,
एंड नियरली डैड ऑफ यंग जॉर्ज, और जो लास्ट बेटा उसका जो है जॉर्ज, उसमें तो वो लगभग मर ही गई थी, मतलब बहुत बुरी उसकी हालत हो गई थी। द केमिस्ट सैड इट वुड बी ऑल राइट, केमिस्ट तो मुझे कह रहा था कि गोलियों से कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आई हैव नेवर बीन द सेम, परंतु मैं पहले ऐसी कभी भी नहीं रही। यू आर अ प्रॉपर फूल आई सैड, तुम पूरी मूर्ख हो, मैंने कहा। वेल इफ आल्बर्ट वॉन्ट लीव यू अलोन देर इट इज आई सैड, तो उसने कहा कि भाई अगर अल्बर्ट तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता है, मतलब अल्बर्ट अगर तुम्हारे साथ रिलेशन रखता है, मतलब अगर वो तुम्हारे साथ सेक्सुअल रिलेशन रखता है, देर इट इज़ आई सैड, तो ऐसा होगा ही, मैंने कहा। कैसा होगा? वट यू गेट मैरिड फॉर इफ़ यू डोंट वॉन्ट चिल्ड्रन, शादी किस लिए करवाई अगर बच्चे नहीं चाहिए तो? मतलब ये है कि बच्चे तो होंगे ही, अगर अल्बर्ट आएगा और तुम्हारे साथ वो रिलेशन बनाएगा तो बच्चे तो होंगे। नाउ सी, जो ये लिल को एडवाइस देने वाला फिगर है, अब तक हमें लग रहा था कि वो एक ऐसा फिगर है, लड़की है जो भी है, जो उसका भला चाहती है और जो वास्तव में समझदार भी है, एडुकेटेड भी है, और जो इस वेस्टलैंड के बाकी लोगों से अलग भी है। पर अब जो वो लाइन बोल रही है उससे हमें लगता है कि वो वेस्टलैंड के बाकी लोगों से अलग नहीं है। वो क्या कह रही है कि भाई शादी का पर्पज़ प्यार व्यार नहीं है, शादी का पर्पज़ ये है कि सेक्स करना, सेक्सुअल रिलेशन रखना, और सेक्सुअल रिलेशन होंगे तो भैया बच्चे भी होंगे ही। तुमने शादी की क्यों की थी अगर तुम्हें बच्चे नहीं चाहिए थे तो? हरिया प्लीज इट्स टाइम, फिर वो बार्टेंडर बोलता है, वेटर बोलता है कि भाई टाइम हो गया जल्दी करो। वेल दैट संडे अल्बर्ट वॉज होम, उस संडे को अल्बर्ट घर पे आया था। दे हैड होट गैमन, है ना, जो होग होता है उसकी टांग होती है, मीट होता है एक तरह से, होग का मीट, तो हमने वो हॉट गैमन खाया। एंड दे आस्क मी इन टू डिनर, और उन्होंने मुझे भी डिनर के लिए बुलाया था, टू गेट द ब्यूटी ऑफ इट, ताकि मैं भी उस डिनर की सम्पचुअसनेस, स्वीटनेस या स्वाद जो है वो चख सकूँ। हरी अप प्लीज इट्स टाइम, जल्दी करो समय हो गया है। हरी अप प्लीज इट्स टाइम, जल्दी करो समय हो गया है, बारटेंडर बोल रहा है, बार बार रिपीट कर रहे हैं, और पूरी लाइन रिपीट हो रही है, तो है ना फोरा हो गया ही। हालांकि मैं पहले बोल चुका हूँ, फिगर्स ऑफ स्पीच आर नॉट दैट इम्पॉर्टेंट इन दिस पॉइंट, बिकॉज वी हैव अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू कंसिडर। गुड नाइट बिल, गुड नाइट लू, गुड नाइट मे, ये सब लोग एक दूसरे को गुड नाइट कर रहे हैं, एक जैसे कि एक तरह से फॉर्मेलिटी रह गई हो सिर्फ। टाटा, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट लेडीज़, गुड नाइट स्वीट लेडीज़, गुड नाइट, गुड नाइट, ये रिपीट हो रहा है इतनी बार, बहुत बार रिपीट हो रहा है गुड नाइट, ये है ना। और इसका मतलब ये है कि ये एक मशीनी शब्द बन के रह गया है। और अभी जो कन्वर्सेशन हुआ है, पूरा गेम ऑफ चेस जो हुआ है, मतलब बिल्कुल फ्यूटाइल जो है लोगों के एफर्ट हो गए हैं। दे सिंपली आर नॉट लिविंग एज अ ह्यूमन बीइंग शुड लिव, उनकी लाइफ मशीनी हो गई है, और प्यार व्यार, रिलेशंस और ओवरऑल लाइफ जो है वो बिल्कुल बोरिंग है। और अगेन द ओनली थिंग दैट वी लैक हियर इज स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन। ओके, सो वी आर गोइंग टू फाइंड वेरी सून वेदर वी हैव सम ऑप्शन और सम वे टू ब्रिंग बैक दोज ओल्ड डेज और दैट ओल्ड रिलीजन और नॉट। इट इज़ अप टू टी एस एलियट नाउ कि वो कैसे हमें उस पुराने रिलीजन की तरफ लेके जाता है। ओके, दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।